हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिशा क्लासेस। जैसे कि आपको पता है, दिशा क्लासेस पर आपको नेट एग्ज़ाम के लिए और एसटेट पीजीटी कॉमर्स एग्ज़ाम के लिए सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज मिलती हैं। नेट लेवल के एग्ज़ाम में या हम बात करें एसटेट पीजीटी लेवल के एग्ज़ाम में, जो सिलेबस आता है वो जो आपने 11th क्लास से लेके एम कॉम तक जितने भी कॉमर्स के सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, उन सभी सब्जेक्ट्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो नेट लेवल के एग्ज़ाम के लिए और एसटेट पीजीटी लेवल के एग्ज़ाम के लिए दिशा क्लासेस पर हमने 11th क्लास की अकाउंटेंसी साइड बाय साइड मार्केटिंग सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रखा है। मार्केटिंग हम फिलिप कोटलर की बुक 15th एडिशन से कवर कर रहे हैं, जिसमें अगर आप प्लेलिस्ट विजिट करेंगे तो ये हमारा प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग 3rd चैप्टर है, और अगर बुक के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आप ये हमारा 13th चैप्टर है। इसके 11 पार्ट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आज हम इसका 12th पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 13 का। ये हमारा लास्ट पार्ट है, इसके बाद हमारा चैप्टर 13 भी कंप्लीट हो जाएगा। जो चैप्टर 13 है वो हमारा प्रोडक्ट से रिलेटेड है। जैसे हमने बात करी थी कि मार्केटिंग मिक्स के 4 P's हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, तो हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। इससे पहले जो हमने 11 पार्ट्स करे हैं उसमें हमने मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, हायरार्की ऑफ प्रोडक्ट्स या लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट, डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिज़ाइन क्या होता है, पैकेजिंग क्या होती है, ये सारे हम टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हमारा लास्ट टॉपिक है या लास्ट पार्ट है, इसमें हम डिस्कस करेंगे 3 टर्म्स को। फर्स्ट वन इज लेबलिंग, लेबल क्या होता है, सेकंड वारंटी एंड थर्ड गारंटी। ये तीनों टर्म्स क्या हैं और क्या इनके मीनिंग हैं, तो स्टार्ट करते हैं लेबलिंग से। लेबलिंग क्या होती है या लेबल क्या होता है, जब भी आप किसी प्रोडक्ट को देखते हो वो किसी कंटेनर में या किसी पैकेज में आता है। पैकेज क्या होता है, हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर प्रोडक्ट को डाला जाता है कंज्यूमर तक पहुँचाने के लिए या ईजी हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टेशन के लिए, क्लियर, उसे हम बोलते हैं पैकेज। तो क्या पैकेज सिर्फ एक पैकेज होता है, उस पर कुछ नहीं लिखा होता, नहीं, उस पर कुछ मेंशन होता है, उसमें प्रोडक्ट के बारे में, ब्रांड के बारे में कुछ बातें लिखी होती हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, लेबल, जो हमें प्रोडक्ट की ब्रांड के बारे में, कंपनी के बारे में या उसकी इंफॉर्मेशन दे कि भी इसमें क्या क्या चीजें हैं, किन चीजों से मिलकर ये बना है, कब ये बना है, कब, क्या इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है, क्या इसकी एक्सपायरी डेट है। ये जो इंफॉर्मेशन है जो हमें प्रोडक्ट के बारे में मिलती है वो हमें किससे मिलती है, लेबल से, उसे हम बोलते हैं लेबलिंग। लेबलिंग का अगर हम मतलब देखें, लेबल कैन बी अ सिंपल अटैच्ड टैग, कोई भी एक सिंपल सा अटैच्ड टैग या कोई एलोबरेटली डिजाइंड ग्राफिक, या फिर आपने बहुत बड़ा बड़ा या बहुत एक्सप्लेन करके जब आप डिजाइंड ग्राफिक में लिखते हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ पैकेज, जो पैकेज का क्या है, एक पार्ट। पैकेज के ऊपर जो भी लिखा होता है, या तो वो कोई सिंपल सा टैग हो सकता है, सिर्फ कंपनी का नाम या प्रोडक्ट का नाम, या फिर वो एलोबरेटली डिजाइंड ग्राफिक हो सकता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हो सकता है, वो जो पैकेज का पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं, लेबल बोलते हैं। इट मे कैरी अ ग्रेट डील ऑफ इंफॉर्मेशन, या तो वो आपको प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देगा, या फिर ओनली अ ब्रांड नेम, या सिर्फ ब्रांड का नाम भी बता सकता है सिर्फ। तो आपको ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, कंपनीज टू कंपनीज, कि वो अपनी लेबलिंग किस हिसाब से करते हैं। कुछ कंपनीज सिर्फ अपनी ब्रांड का नाम ही प्रोडक्ट पे लेबल करना चाहते हैं, सिर्फ ब्रांड का नाम या प्रोडक्ट का नाम ही आपको मिलेगा। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो आपको लेबल के तौर पे ग्रेट इंफॉर्मेशन दे देती हैं प्रोडक्ट के बारे में, वो बिल्कुल जो भी प्रोडक्ट के फीचर्स हैं या उसके बारे में सब कुछ आपको लेबलिंग में ही बता देती है कि प्रोडक्ट कैसे यूज होगा, क्या इसमें फीचर्स हैं, क्या इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है, क्या इसकी एक्सपायरी डेट है। लेकिन अगर सेलर चाहे कि वो एक छोटा सा नाम देना चाहता है, सिर्फ ब्रांड नेम, लेकिन लो उसे फोर्स कर सकता है कि भी आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन ही देनी पड़ेगी। जैसे अभी हम एग्जाम्पल लेंगे फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का। फूड एंड ड्रग जो एडमिनिस्ट्रेशन है, FDA, उसने कंपलसरी कर रखा है जो प्रोसेस्ड फूड वाली कंपनीज हैं उनको अपनी लेबलिंग में जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज हैं उनका अमाउंट दिखाना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लें तो ये देखिए मैगी, मैगी का जब आप पैकेट देखते हैं तो उस पर आपको सिर्फ ब्रांड या उसका कंपनी का नेम नहीं मिलता। कंपनी क्या है, नेस्ले। किस कंपनी का प्रोडक्ट है, नेस्ले का, ये क्या है, एक प्रोडक्ट है। लेकिन आपको सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, इसके साथ साथ आपको और इन्फॉर्मेशन भी मिलती है इसके बारे में, जैसे ये कब मैन्युफैक्चरिंग हुई, क्या इसका MRP है, क्या इसकी एक्सपायरी डेट है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। तो ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी कि वो किस टाइप की लेबलिंग अपने प्रोडक्ट की करती है। लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स के केस में लॉ मैंडेटरी कर देता है कि भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी है प्रोडक्ट के बारे में, सिर्फ आप ब्रांड का नेम नहीं मेंशन करेंगे। तो उन केसेस में कंपनीज को फोर्सफुली
या उनके लिए कंपल्शन हो जाता है कि भी उनको प्रोडक्ट की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपने प्रोडक्ट की लेबलिंग में देनी होती है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं प्रोसेस्ड फूड का, जितने भी हमारे प्रोसेस्ड फूड्स हैं उसके केस में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारी FDA है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उसने लॉ बना रखा है जो भी प्रोसेस्ड फूड की कंपनीज हैं उनको अपने प्रोडक्ट की लेबलिंग में न्यूट्रिशनल वैल्यू का अमाउंट बताना है कि भी उसमें कितनी न्यूट्रिशनल वैल्यूज हैं। जैसे इसमें एनर्जी कितनी है, प्रोटीन कितना है, कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं, फैट कितने हैं, ये इनका जो अमाउंट है न्यूट्रिशनल वैल्यूज का, ये अमाउंट भी उन्हें मेंशन करना है। तो ये डिपेंड करता है लॉज के ऊपर कि हमारी कंपनी के क्या लॉज हैं। अगर आपको लॉ मैंडेटरी कर रहा है कि भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी है अपनी लेबलिंग पे प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ भी, तो वो आपको देनी कंपलसरी है। अदरवाइज अगर कोई ऐसा लॉ नहीं है आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो अगर आप चाहें तो आप सिर्फ ब्रांड का नेम भी दे सकते हैं, वो भी सफिशेंट है। क्लियर? तो अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ लेबलिंग, कि भी फंक्शंस क्या है। ये हमारा लेबलिंग का मीनिंग हो गया कि भी लेबल क्या है, जो आपको पैकेज पे एक सिंपल सा अटैच टैग मिलता है जिसमें ब्रांड का नाम या कंपनी का नेम होता है, या फिर पूरा एलिबरेटली डिजाइंड ग्राफिक जो हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है प्रोडक्ट के बारे में, उसे हम बोलते हैं लेबल। क्लियर? फिर इसके फंक्शंस क्या क्या हैं लेबल के। लेबल तीन काम हमें करके देता है। तीन क्या क्या काम है? इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द ब्रांड और प्रोडक्ट। ये हमें प्रोडक्ट की या ब्रांड की आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है। मान लो अब नूडल्स हैं, अगर नूडल्स का सिर्फ येलो पैकेट में नूडल्स आने लग जाएं, अब ये तीन पैकेट्स या चार पैकेट्स हमने रख दिए नूडल्स के, और ये येलो कलर का है, कोई व्हाइट कलर का है, कोई पिंक कलर का है, कंपनी अलग अलग कंपनीज का है, क्या आप इनमें से बता सकते हैं मैगी कौन सा है, EP कौन सा है, या किसी और कंपनी का कौन सा है? नहीं। तो लेबल ही है जो हमें हेल्प करता है ब्रांड को या प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में कि ये प्रोडक्ट किस ब्रांड का है, किस कंपनी का। अब इस पैकेट येलो पैकेट के अगर ऊपर मैगी लिखा है, इस लेबल की वजह से, ये क्या है, एक लेबल, इस पे हमने टैग अटैच कर दिया, इस लेबल की वजह से हमें ब्रांड का पता चल गया या प्रोडक्ट का पता चल गया कि ये मैगी है, नेस्ले कंपनी का प्रोडक्ट है और इसमें नूडल्स हैं। इस पे अगर रेड कलर का EP लिखा हुआ है, तो ये भी क्या है, एक टैग अटैच कर दिया इन्होंने अपने पैकेज पे। पैकेज मतलब कंटेनर जिसमें हम प्रोडक्ट को डाल रखा है हमने कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए। इस पैकेज के ऊपर EP जो इन्होंने टैग अटैच किया है, इससे हमें ब्रांड का पता चल गया कि ये किस ब्रांड का है, EP ब्रांड का है, ये मैगी ब्रांड का नहीं है। क्लियर? नेस्ले कंपनी का प्रोडक्ट नहीं है। तो जो हमारे लेबल है वही हेल्प करते हैं हमारी ब्रांड को या प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स अवेलेबल हैं, उनमें से आपके प्रोडक्ट को या ब्रांड को आइडेंटिफाई करने में हेल्प कौन करता है, आपका लेबल, पहला काम। दूसरा, ये प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करता है कि प्रोडक्ट के फीचर्स क्या हैं, या प्रोडक्ट कब मैन्युफैक्चर हुआ है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, या उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ क्या हैं। अगर आप मेडिसिन लेते हैं तो उसके पीछे भी आपको सॉल्ट्स के नेम मिलते हैं कि भाई इस मेडिसिन में कौन से सॉल्ट यूज़ हुए हैं, क्या इसका कंपोजिशन है। तो पूरे प्रोडक्ट की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी हमें कौन प्रोवाइड करवाता है, लेबल। तो लेबल का पहला काम है आपकी ब्रांड या प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करना, दूसरा उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देना, प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्राइब करना, और थर्ड है आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करना। प्रमोट भी करता है, अगर आपका जो लेबल है वो अट्रैक्टिव ग्राफिक से आपने बनाया है तो आपका प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, प्रमोट। क्योंकि कई बार हम पैकेज पे जो लेबलिंग की जाती है उसकी लेबलिंग इतनी अच्छी होती है, इतनी अट्रैक्टिव होती है कि भी कंज्यूमर उसको लेने के लिए मजबूर हो जाता है, बेशक उसको उस प्रोडक्ट की नीड भी ना हो। तो लेबलिंग हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करने में भी हेल्प करती है। क्लियर? ये तीन फंक्शन थे हमारे लेबल के या लेबलिंग के। क्लियर? अब जो हमने FDA की बात हमने पहले ही कर ली है कि FDA ने कंपलसरी कर रखा है जितनी भी प्रोसेस्ड फूड की कंपनीज हैं उनको न्यूट्रिशनल वैल्यूज का जो अमाउंट है वो अपने लेबल में मेंशन करना। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टर्म, वारंटी एंड गारंटी। वारंटी एंड गारंटी क्या होता है? जब भी आप मैन्युफैक्चरर के पास प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो वो आपको उसकी परफॉर्मेंस के बारे में एक स्टेटमेंट जारी करता है। वो स्टेटमेंट में आपको ये बताता है कि भी सर ये प्रोडक्ट इतने दिन तक परफॉर्मेंस करेगा, 3-4 साल तक ये प्रोडक्ट चलेगा, 3 साल तक या 4 साल तक। तो वो जो एक फॉर्मल स्टेटमेंट है, ये वो मजाक में नहीं कहता, फॉर्मली कहता है बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ, ये एक फॉर्मल स्टेटमेंट है जिस पे कंज्यूमर बिलीव करता है, भरोसा करता है। तो वारंटीज आर द फॉर्मल स्टेटमेंट्स ऑफ एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, कि भी प्रोडक्ट की इतनी तो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस है, जो ये फॉर्मल स्टेटमेंट है उसे हम बोलते हैं वारंटी। और इसे कौन देता है? मैन्युफैक्चरर इन स्टेटमेंट्स को देता है।
वारंटीज आर द फॉर्मल स्टेटमेंट्स ऑफ एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट परफॉर्मेंस बाय द मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर के द्वारा जो फॉर्मल स्टेटमेंट दी जाती है प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस से रिलेटेड कि इतनी तो इसकी एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस होगी ही होगी, उसे हम बोलते हैं वारंटी या गारंटी। क्लियर। अब वारंटी और गारंटी में एक हल्का सा डिफरेंस है कि वारंटी एंड गारंटी के अंदर जो ये फॉर्मल स्टेटमेंट आपके मैन्युफैक्चरर ने कही है कि भी सर ये प्रोडक्ट की एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस इतनी तो होगी ही होगी, अगर आपको वो परफॉर्मेंस नहीं मिलती तो आप उस प्रोडक्ट को या तो रिपेयर करवा सकते हैं अगर वो बीच में काम करना बंद कर जाए, या उसको रिप्लेस ही करवा सकते हैं, या आप उसको रिफंड करवा सकते हैं। यहाँ तो आप उसी प्रोडक्ट को क्या करवा रहे हैं, ठीक करवा रहे हैं और उसी को घर लेके आ रहे हैं, सर्विस सेंटर पे आपने भेज दिया, वो आपको ठीक करके दे देंगे, उसमें जो भी प्रॉब्लम है। या फिर आप रिप्लेस करवा सकते हैं, उसके बदले में वो प्रोडक्ट देके नया प्रोडक्ट ही उसके बदले में ले सकते हैं अगर वो ठीक नहीं हो रहा या उसकी जो भी प्रॉब्लम है उसको ठीक नहीं कर पा रहे वो। या फिर हो सकता है रिफंड कि आपको आपके पैसे ही रिटर्न मिल जाए। तो ये तीन चीज़ों की वारंटी और गारंटी आपको मैन्युफैक्चरर्स देते हैं। और ये जो स्टेटमेंट्स होती हैं जब मैन्युफैक्चरर आपको गारंटी देता है या वारंटी, ये कैसी स्टेटमेंट्स होती हैं, फॉर्मल स्टेटमेंट्स होती हैं। अगर मैं आपको यहां या जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो अगर आप अपने बारे में जो डिस्क्राइब कर रहे हैं वो फॉर्मल स्टेटमेंट्स हैं, क्योंकि आप किस ये नहीं कि मजाक में कह रहे हैं या अपने फ्रेंड सर्कल में वैसे ही कह रहे हैं, वो लॉजिक के साथ या आप फॉर्मली उन स्टेटमेंट्स को कह रहे हैं, आपकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हो रही हैं, फॉर्मल है, तो उन स्टेटमेंट्स को हम बोलते हैं वारंटी एंड गारंटी। तो तीन चीजें वारंटी एंड गारंटी के अंडर आती है कि या तो आप रिपेयर करवाएंगे अगर वो ढंग से काम नहीं कर रहा, प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस नहीं आपको मिल रही जितनी एक्सपेक्टेड मैन्युफैक्चरर ने कहा था कि भी इतनी तो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस इस प्रोडक्ट की होगी ही होगी, या फिर आप उसको रिप्लेस ही कर सकते हैं, उसके बदले दूसरा ले सकते हैं, या फिर अपने पैसे रिटर्न करवा सकते हैं, रिफंड करवा सकते हैं। अब वारंटी एंड गारंटी में एक हल्का सा डिफरेंस है, वो क्या है, वारंटी में सिर्फ आपको रिपेयर मिलेगा, आपका जो प्रोडक्ट है वो रिप्लेस नहीं होगा, आपको वही प्रोडक्ट ठीक करके दिया जाएगा, उसे हम बोलते हैं वारंटी। गारंटी के अंडर आपको प्रोडक्ट रिप्लेस करके ही दिया जाएगा, उसके बदले में आपको नया प्रोडक्ट ही दिया जाएगा। अब इसको कैसे याद रखना है, कुछ बच्चों को डाउट्स या मतलब हम याद नहीं रख पाते वारंटी एंड गारंटी में क्या डिफरेंट है। W फॉर वारंटी, W फॉर वाइफ, ये एक ट्रिक है याद करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है वैसे। G फॉर गारंटी एंड G फॉर गर्लफ्रेंड। क्लियर। अब जो वाइफ है, वाइफ को आप रिप्लेस नहीं कर सकते। एक बार जो आपकी वाइफ है अगर वो काम मतलब हम कह सकते हैं कि भी अगर आपको उसके साथ नहीं बन रही तो वो अपने कुछ बिहेवियर को चेंज कर सकती है, तो रिपेयर हो सकता है। वारंटी मतलब वाइफ फिक्स्ड है, उसे आप रिपेयर करवा सकते हैं, मतलब उसके कुछ बिहेवियर में चेंजेस ला सकते हैं। लेकिन गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड मतलब गारंटी, जी फॉर गर्लफ्रेंड, जी फॉर गारंटी। गर्लफ्रेंड को आप अगर वो ढंग से काम नहीं आपके उसके साथ नहीं पट रही तो आप उसे क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। गर्लफ्रेंड्स कितनी भी हो सकती हैं आपकी, तो गारंटी में क्या होगा, रिप्लेस होगा, उसकी जगह दूसरा आएगा, लेकिन वारंटी में वही प्रोडक्ट क्या होगा, रिपेयर होगा। ये था डिफरेंस वारंटी एंड गारंटी में हल्का सा। लेकिन वारंटी एंड गारंटी की अगर हम मीनिंग की बात करें तो फॉर्मल स्टेटमेंट्स जो एक मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड कहता है कंज्यूमर को कि भाई इस प्रोडक्ट की इतनी तो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस होगी ही होगी। क्लियर। ये था हमारा आज का टॉपिक और इसके साथ ही हमारा चैप्टर 13 फिलिप कोटलर का कव कंप्लीट होता है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 15 या हम 14 को, जो भी हम देखेंगे। क्लियर। अगर आपको कोई भी डाउट्स होता है मेरी वीडियोस से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के भेज सकते हैं, और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ दिशा चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें जितना भी हो सकता है, ताकि उन लोगों तक भी वीडियोज़ पहुँचे जिनको ये नहीं पता अगर फिलिप कोटलर पढ़नी है तो कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें। थैंक यू। प्लीज़।